स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा का कहर इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग तो देखते हैं इसके बाद हम महत्वपूर्ण सूचना इसमें तो देखिए आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर फटने से भयानक तबाही हुई है यहाँ पर ग्लेशियर फटने से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जो एक तरीके से बांध बना हुआ था वह टूट चुका है और यहाँ पर जो है ऐसी सूचना मिली है कि काफ़ी मज़दूरों के बहने की सूचना है और काफ़ी मज़दूरों को नुकसान पहुंचा है और ये जो प्राकृतिक आपदा आई है यह धोली गंगा नदी में आई है यानी कि पूरा का पूरा ग्लेशियर टूट के नीचे गिर चुका है जिससे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, से भयंकर प्राकृतिक आपदा चमोली में देखने को मिली है इसलिए मैदानी क्षेत्रों के जो एरिया हैं जो शहर हैं यानी कि इस नदी के आसपास के एरिए को खाली करा दिया गया है और इसमें यह भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनडीआरएफ की टीमों को पहुंचा दिया है और इसमें पूरा जायज़ा लिया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा और इसमें जो है महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दिल्ली से भी एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं यहाँ पर यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य प्रारंभ हो चुका है और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देनी है यानी कि आज जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी असम राज्य में गए हुए हैं यहाँ पर जब इनको यह पता चला कि चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा आ चुकी है तो इन्होंने तुरंत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस बात इस बात का यानी कि जायज़ा लिया कि ये प्राकृतिक आपदा कैसे आई और क्यों आई और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने ली यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इन्होंने जो है बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये बहुत बड़ी एक सूचना है यानी कि उत्तर काशी का जो एरिया है यहाँ पर जो सचिव हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर लगभग 150 लोगों की डैथ हो चुकी है तो ये महत्वपूर्ण सूचना दी आपके लिए तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के नई नई वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल धन्यवाद